कहते हो सुरेश रैना की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के बाएं घुटने में चोट के कारण खेलना संदिग्ध है। केएल राहुल को रविवार को नेट प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी थी। नेट प्रैक्टिस के दौरान ईशांत शर्मा की गेंद केएल राहुल के बाएं घुटने पर लगी और राहुल दर्द से कराहते देखे गए। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है। केएल राहुल को दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्लेइंग 11 में शामिल किया था। हालांकि इस मैच में राहुल कुछ खास नहीं कर पाए। राहुल ने पहली पारी में 10 और दूसरी पारी में 4 रन बनाए थे। लोकेश राहुल ने 22 टेस्ट की 35 पारियों में 42.41 की औसत से 1442 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 रहा है। बता दें कि टीम इंडिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज पर साउथ अफ्रीका ने 2-0 कब्जा कर लिया है। भारतीय टीम को तीसरा टेस्ट मैच 24 जनवरी से जोहान्सबर्ग में खेलना है। इसके अलावा टीम इंडिया को 6 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज भी खेलनी है।